साथ, इंसाफ करो हमारे साथ, इंसाफ करो। जावेद अहमद और कश्मीर ऑटो एसोसिएशन का जनरल सेक्रेटरी हूं मैं। देखिए पिछले 2-3 महीने से ट्रैफिक डिपार्टमेंट ने हमें बहुत परेशान किया है, जिसमें एसएसपी साहब ने बोला था कि आपको हम रोड पे चलने नहीं देंगे। क्यों चलने नहीं देंगे, रीज़न क्या है कुछ पता नहीं है। हमने कई बार एसएसपी साहब से मिलने भी कोशिश की, आरटीओ साहब के पास भी हम गए थे, हमने बोला था कि बहुत परेशानी हमें है, स्टैंड्स नहीं है हमारे पास, आप एक सर्वे करवाइए, सर्वे के दौरान हमारी देखिए जहाँ जहाँ पर लोकेशन है, हम स्पेस जगह है, हम अपने ऑटोस वहाँ पर रखेंगे। देखिए रोज़ बर रोज़ ऐसा मसला हो रहा है, ट्रैफिक डिपार्टमेंट हमारे से 50 ऑटो 60 ऑटो 30 ऑटो रोज़ के रोज़, चाहे वो बुलवार रोड से हो, हरी सिंह हाई स्ट्रीट से हो, लाल चौक से हो, रिगल चौक से हो, डल गेट से भी हो, ट्रैफिक डिपार्टमेंट आता है हमारे ऑटोस को ले जाता है। तीन दिन बंद रख के फिर हमें जब एसएसपी साहब के मिनते करनी पड़ती है, गुजारिश करनी पड़ती है, डीएसपी साहब से मिलना पड़ता है, तब जाके हमें फिर कंपाउंड चालान मिलता है, वो 2000 रुपये में मिलता है। देखिए मेरी गुजारिश है आरटीओ साहब से, उसको मैंने पिछली बार भी बोला था कि जनाब हमारी सर्वे करवाइए, सर्वे के दौरान देखिए 15 से 20 हज़ार ऑटोस हमारे हैं श्रीनगर सिटी के अंदर, जिसमें डिपार्टमेंट ने हमें सिटी परमिट दिया है। पिछले 5 महीने से चश्मेशाही हमें जाने नहीं दिया जा रहा है। कुछ ही दिनों पहले ई रिक्शा यहाँ पर लॉन्च हुआ, रीज़न क्या है कुछ पता नहीं। अच्छा जहाँ भी वो बैठते हैं उनको कोई कुछ पूछता नहीं, चाहे ट्रैफिक डिपार्टमेंट हो, चाहे पुलिस हो, कोई उनसे वो जहाँ उनकी मर्जी होती है वहाँ वो बैठ जाते हैं। जहाँ पर भी हमारे ऑटोस बैठते थे उन जगहों पर अब वो बैठने नहीं दे रहे हैं। तो कल भी मैं चश्मेशाही खुद गया था, बॉटनिकल गार्डन खुद गया था, वहाँ पर सोमोज लगे हैं। ये बात मैं डीसी साहब को भी कहना चाहता हूँ, मेरी गुजारिश है डीसी साहब से, वहाँ पर सोमोज लगे हैं जो कि डिस्ट्रिक्ट के सोमोज हैं, वहाँ पर 25 रुपये बॉटनिकल गार्डन से परी महल तक और 35 रुपये चश्मेशाही, वो उनको किसने परमिशन दिया? मैंने उनके ऊपर एक बोर्ड देखा था, बोर्ड पर उन्होंने लिखा था चश्मेशाही और बॉटनिकल गार्डन, ना उस पर कोई स्टेप दी, ना कोई किसी अथॉरिटी ने। मैं ये जानना चाहता हूँ कि उनको परमिशन किसने दी है। हम अगर सिटी परमिट होल्डर है, हमें इजाजत नहीं है, तो उनको इजाजत कैसे मिली है? नहीं आपके पास एसएसपी ट्रैफिक साहब से हमने पिछली बार भी मीटिंग की थी, डीएसपी साहब से भी मीटिंग की थी, आरटीओ साहब से भी हमने मीटिंग की थी। जो जो इलीगल चल रहा है हम उसके खिलाफ हैं, हम सरकार का पूरा तावन देते हैं, पूरी सरकार के साथ है, लेकिन जिनके ऊपर डॉक्यूमेंट्स हैं, नंबर प्लेट्स बाजबता तौर पर लगे हैं, उनको सीज क्यों जा रहा है, क्यों किया जा रहा है? हम लोग खुद परेशान हैं। देखिए आप देखिए कितने ऑटोज अभी 10 दिन बचे हैं, 7 दिन बचे हैं बड़ी ईद को, कुर्बानी चल रही है इस टाइम, कुर्बानी का माहौल है, तो ये देखें हम अपनी फैमिली को कैसे चलाएंगे, हमारा गुजारा कैसे होगा? जब एक ऑटो वाला रोज़ के दिन 2000 रुपये ट्रैफिक डिपार्टमेंट के लिए चालान भर देगा तो उनका घर कैसे चलेगा, उसकी फैमिली कैसे चलेगी? देखिए हम यही चाहते हैं एसएसपी ट्रैफिक से, मेरी गुजारिश यही है कि कम से कम हम ट्रांसपोर्ट वालों के साथ, हम ऑटो वालों के साथ तावुन करें। हम भी भरपूर तावुन सरकार के साथ है, ट्रैफिक डिपार्टमेंट के साथ है, कम से कम हमारे ऊपर ऐसी ज्यादती नहीं होनी चाहिए कि हम परेशान हो जाए, हमारी फैमिली भी परेशान हो जाए, हम दिन ब दिन रोड पर चलने के काबिल नहीं रहे हैं। अब देखिए मैं कुछ ही दिन पहले आपको डिपार्टमेंट की बात कर रहा हूँ, ऑटो डिपार्टमेंट की बात, हमारा ग्रीन टैक्स हो गया, जो फिटनेस हमें खाली 6 महीने के लिए थी, 6 महीने के लिए फिटनेस जो हमारी फीस थी 650 रुपये, अब वो 4500 रुपये हो गई है। ये बात आप सुनिए, मैं आरटीओ साहब से कह रहा हूँ, हमने कई बार जम्मू में भी मैंने यही बात बोली थी कि ग्रीन टैक्स को ख़त्म कीजिए वरना हमारा ट्रांसपोर्ट जमीन के नीचे आ जाएगा। मेहरबानी करके मेरी गुजारिश खास तौर पर डीसी साहब से भी है, मैं डीसी साहब से गुजारिश करता हूं कि खास तौर के हम ट्रांसपोर्ट वाले जो कि नीचे तबके के ट्रांसपोर्ट है वो है हम ऑटो वाले, इनके ऊपर नजरसानी करें और हमें इजाजत चश्मेशाही जाने के लिए दिए जाए।